हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनी। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे हेल्थीस्ट प्लांट की जिनको आप कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे एयर प्योरीफायर प्लांट है और इनको लगाना भी बहुत आसान है। आप इनको रेत में लगा सकते हैं कटिंग से, या फिर पानी में भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, तो आप इन्हें अभी लगा दें। ये कुछ 10+ प्लांट्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट जो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट प्लांट है ये है अजवाइन का प्लांट। ये मैंने जो प्लांट है ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। ये मैंने पानी में ग्रो किया था प्लांट, और इस प्लांट को आप है जो पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है अजवाइन का। बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इसको आप है जो कटिंग से अभी ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये बुशी हो रहा है। मैंने एक कटिंग ही लगाई थी, आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें से ब्रांचिंग है, जो ब्रांचेस निकल कर आ चुके हैं। इसकी मैंने एक दो बार पिंचिंग भी नहीं की है, और फिर भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फैलता है प्लांट। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करें। बहुत ही अच्छा ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम पानी से दे और बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो भी आप इसे लगा सकते हैं कटिंग से, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चाहे आप इसे रेत में लगा दें या पानी में इसकी कटिंग लगा दें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसके भी आप है जो छोटे छोटे रनर से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। छोटे छोटे रनर से, छोटे छोटे कप्स में, मग्स में बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इंडोर भी अच्छे से चलता है। इसको आप ब्राइट लाइट में रखें, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। इसको भी है जो मैंने घर के जो वेस्ट जो बॉक्स में लगाया हुआ है इसको बोतल में, और इसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसको भी आप इसमें लगा सकते हैं। किसी भी बर्तन में ये चल जाता है और छोटे छोटे पफ से, छोटे छोटे रनर से ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट की मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हैं। इस प्लांट को तो आप जरूर ग्रो करें, इसकी टाइम पर पिंचिंग करते रहें। ये भी एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। इवन एक ये वास्तु प्लांट भी है। इसको भी है जो आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस इसके आप पिंचिंग करते रहें टाइम से, और इसको कम पानी की जरूरत होती है क्योंकि ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। और इसको भी आप छोटे छोटे कप्स में ग्रो कर सकते हैं, मग्स में ये ग्रो हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मैंने नारियल की बोतल को काट कर इसमें लगाया था, तो इसमें बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। बस इसकी मैंने पिंचिंग की है अच्छे से, और मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाला। सिर्फ इसको जब लगाया था तब इसमें कुछ गोबर की खाद, थोड़ा रेत और मिट्टी डाली थी, तो अब ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। मैंने कटिंग से ही लगाई हुई है, 3 कटिंग इसमें लगाई थी, और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एलोवेरा। एलोवेरा को कौन नहीं जानता, इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसको स्किन पे यूज़ किया जाता है, बालों के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे इसके यूज़ है। इवन इससे जो इसकी कटिंग से जो मैं कटिंग्स ग्रो करती हूँ इसकी लीव से, जो इसका जेल होता है, एक अच्छा रूटिंग हार्मोन भी है वो। तो इस तरीके से आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, हर गार्डन में जरूर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसे भी आप है जो कम पानी दे। इसको मैंने छोटे से बर्तन में लगाया हुआ है, आप इसको थोड़े बड़े जो है गमले में लगाएं ताकि अच्छे से ग्रो हो सके। वैसे तो इसमें भी बहुत अच्छे से फैल रहा है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी बड़ी बड़ी लीव्स इसकी हो चुकी है। और इसको जो है आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अभी ये मैंने लगाया था, इसमें एक नया प्लांट बनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं छोटा सा प्लांट इसमें बनना शुरू हो चुका। तो इस तरीके से इसमें जो है प्लांट बनते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लांट्स हैं तो उसमें नए नए पफ्स निकलते रहते हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स के जो बनते रहते हैं। तो भी बहुत अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है और बहुत सारे इसके आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं। तो इसका भी आप है ज़रूर ग्रो करें, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, नए नए पफ्स के निकलते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम का प्लांट। ये भी बहुत अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसको भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। कई दिनों तक बिना पानी के बहुत अच्छे से रह जाता है ये। अगर बिजी गार्डनर है आप, या आप बिजी रहते हैं, या आपको टाइम कम मिलता है, तो ये प्लांट आप ज़रूर ग्रो करें। इवन बिगनर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। आप इसकी कटिंग को है जो पानी में रखें, कुछ दिनों बाद इसकी जो रूट्स आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप इसको है जो मिट्टी में ग्रो कर दें। इसकी जो कटिंग्स है, जब इसकी रूट्स आना शुरू हो जाए फिर इसमें अच्छे से ग्रो करेगा। इसको आप है जो रेत में भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आप रेत में ग्रो करना चाहते हैं। वरना आप मिट्टी लें, थोड़ी सी गोबर की खाद ले लें और रेत का मिक्सचर बनाकर
उसमें लगा दें तो इसमें बहुत अच्छे से चलेगा। ये मैंने उसी तरीके से लगाया हुआ है इसमें, तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत सुंदर इसकी लीव्स है जो आती है, और बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो कोई भी वेराइटी की कटिंग आप ले लें और उसको पानी में रख दें, जब उसकी रूट्स आ जाए तब उसको जो आप मिट्टी में लगा सकते हैं, तभी एक बहुत अच्छा प्लांट है, इसे भी आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्लांचू यानी कैलनकोई का प्लांट, ये भी एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसमें भी छोटी छोटी फ्लावरिंग होती है और अलग अलग कलर्स में इसके जो फ्लावर्स होते हैं। ये सभी जो प्लांट मैंने लगाए हुए हैं सभी कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे छोटे में सबसे पहले जो फ्लावरिंग आना शुरू हो चुकी है, इसमें भी नए नए फ्लावर जो आना शुरू हो चुके हैं। इसमें अभी नए बर्ड्स अभी नहीं बने हैं, इसमें थोड़े लेट्स बर्ड्स बनते हैं, तो भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। कटिंग से अगर आप इसको भी लगाएंगे तो अभी भी ये ग्रो हो जाते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही कटिंग लगाई थी तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्रो कर रही है। और ये सब दोनों प्लांट भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं, तो कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है क्योंकि इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इन प्लांट्स को बिगिनर्स बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बिजी गार्डनर के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत अच्छा एक फ्लावरिंग प्लांट भी है सर्दियों का। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को कौन नहीं जानता, ये भी बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट भी है। ये मैंने कप में अंदर रखा हुआ था और इसको मैं थोड़ा कम पानी देती हूँ क्योंकि अगर ये वैसे मैंने रेत में लगाया हुआ है, इसको आप बड़ी आसानी से रेत में ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने पहले पानी में लगाया हुआ था इसकी कटिंग, फिर इसको मैंने रेत में लगा दिया और कुछ प्लांट्स मैंने इसमें भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं बास्केट में, तो अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इंडोर में बहुत अच्छे से चलता है ये प्लांट क्योंकि आउटडोर में इसको अगर धूप लग जाती है, वैसे तो आजकल धूप नहीं निकल रही है, तो धूप में इसकी जो पत्ती थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाती है, तो इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको इंडोर ही रखें। इंडोर में बहुत आसानी से ये ग्रो होता है, चाहे आप इसको पानी में ग्रो कर दें या मिट्टी में ग्रो करें, और इसको सहारा जरूर दे दें और थोड़े इसको ऊपर वाली साइड ही इसकी जो है दिशा रखें, इसकी बेल को चढ़ाएँ, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अभी बहुत अच्छा प्लांट है, एक वास्तु प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को कौन नहीं जानता, साइंसेवेरिया मदर इन टंग प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत सारी वैरायटीज इसकी आती है, वेरीगेटेड वैरायटी भी इसकी आती है जिसमें थोड़ा पीले कलर का जो है धारी होती है साइड में। इसकी भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। इसको भी आप जो कटिंग से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। नासा ने भी इसको रिकमेंड किया है कि इसको घर में जरूर लगाना चाहिए। तो भी एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। आप इसको इंडोर ग्रो करें, आउटडोर ग्रो करें तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं इसको मैंने जो है एक ही जो मैंने प्लांट लगाया था और इसमें बहुत सारे पॉप्स जो बन गए हैं, बहुत सारे प्लांट्स में बन जाते हैं अगर आप इसका एक प्लांट ही जो है लगाते हैं। और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो इस प्लांट को भी आप जो बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो कहीं से इसकी छोटी सी लीव्स ले आए और उसको काट दे, थोड़ा तिरछा काट दे नीचे से, और फिर उसको पानी में रख दें या फिर मिट्टी में लगा दें, तो उसमें कुछ दिनों बाद जो एक मंथ लग जाता है इसमें अगर आप इसको जो पानी में रखते, क्योंकि इसकी थोड़ा रूटिंग है जो लेट होती है, लेकिन ये चल जाता है। तो इसका पानी भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ये भी ग्रो हो जाता है। लेकिन जब ये चलना शुरू होता है तो बहुत सारे पॉप्स इसमें निकलते रहते हैं, तो भी बहुत अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अरेका पाम। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है, घर में जरूर लगाना चाहिए। आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके जो है बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत सुंदर ये भी प्लांट है और वास्तु के अनुसार ये प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है, तो घर में ये लगाना चाहिए। सुख शांति का प्लांट भी इसे माना जाता है इसे, और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आपके जो है बारिश आए आपके एरिया में तो इसको आप आउटडोर पे रख दें ताकि जो है इसकी नई नई लीव्स आ जाएं, तो भी बहुत अच्छा प्लांट है इसको। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ड्रेसिना मार्जिनेटा। बहुत ही सुंदर ये भी प्लांट है, बहुत सारी इसकी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। मैंने इंडोर ही रखा हुआ है पानी में क्योंकि मेरे को इसके लिए जो है गमला नहीं मिला अच्छे से, इसलिए मैंने इसे पानी की बोतल में रखा हुआ है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, चाहे आप इसे पानी में लगाएं मिट्टी में लगाएं, तो बड़ी आसानी से ग्रो कर जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती है और अलग अलग वैरायटीज में आपको मिल जाएगा।
कि गाइस, तो ये थे कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफायर प्लांट्स भी है, तो इन्हें आप जो अभी ग्रो कर ले, अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, इनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ये प्लांट जो बन जाएंगे। ये मैंने सभी प्लांट जो कटिंग से ही लगाए थे, तो इनको आप भी जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कुछ सर्कुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं, तो इनको जो आप पानी कम दें जिससे अच्छे से ग्रो करे, जब इनकी मिट्टी सूख जाए तभी इनको जो है आप पानी दें। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।